ब्रेड क्रम्स हम बना रहे हैं, तो इसको पहले हम कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, ये दो पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट होगा ये जो इसका वाइट है, और दूसरा जो ये हम काट रहे हैं। ठीक है, पहले हम चारों साइड से काट लेते हैं। दोनों ही यूज करेंगे, लेकिन तरीका भी एक होगा, बस सिर्फ कलर में चेंजिंग होगी। इस तरह ये तैयार हो गए एक साइड, और ये वाले जो है एक साइड दूसरी साइड यूज करेंगे। ये हमने तैयार कर लिए, ये डालेंगे। फेज जीरा थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ी सी पपरिका डाल रही हूँ, नमक, खुश्क लहसुन और प्याज भी इसमें खुश्क डालना है, लेकिन मेरे पास अभी ख़त्म है तो मैं बाद में डाल दूंगी, आप लोग डाल लेना। थोड़ा सा फूड कलर जल्दी वाला चिकन पाउडर। ऐसे करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ठीक है, और ये हमारा ब्रेड क्रम्स अवन में जब रख लेंगे, बेक हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। एक हमने सेटिंग कर ली है, सुई गैस अभी आई नहीं है, अभी आएगी तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अब दूसरा यूज करते हैं, दूसरा सेम ये जो है सेम वैसे ही बनाना है, सिर्फ क्या होगा कलर में फर्क होगा इनकी वजह से। तो ये भी यूज करेंगे, वो भी यूज करेंगे, दोनों का जायका जबरदस्त आता है। चाहे हम जिस चीज की भी कोटिंग इंशाल्लाह करेंगे तो आप देखना, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये बाजार का हम ज्यादा नहीं यूज सकते कर सकते क्योंकि वो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो कुछ वो करेंगे कुछ ये करेंगे, इसका अपना जायका है उसका अपना जायका है, तो दोनों हम इंशाल्लाह यूज करेंगे रमजान में। ये हमारी एक डिश तैयार होगी, अब दूसरी करते हैं। हमारे तैयार हैं, इसको हम एयर टाइट में डाल देंगे डब्बे में, और ये तकरीबन 4 महीने तक इंशाल्लाह यूज हो सकती है। ये जो साइडें थी ये डार्क है, देखिए इससे मैंने सेट कर लिया, और ये जो लाइट वाला है वो कम बना है, ये ज्यादा बना है, ये डेढ़ ब्रेड से बना है। तो फिर आगे जब यूज करेंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। मशाला तैयार है।